Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और आज जो है वो संडे है और डेट है आई गेस 22 ऑफ मई. और संडे यू नो बहुत नॉर्मल डे गुजरता है, तो आज मेरा भी नॉर्मल सा डे है. ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है. और वैसे संडे को मुझे जिम जाना नहीं होता है, तो मैं अपनी मील्स भी नहीं बनाता हूँ. नॉर्मल सा कुछ भी मिलता है उसको मैं खा लेता हूँ, तो मैंने अभी वो खा लिया. तो आज संडे है और संडे तो आपको पता है बहुत बोरिंग गुजरता है, और संडे को बिल्कुल भी फन नहीं होता है और एक्साइटिंग तो कुछ होता ही नहीं है. तो जैसा मैंने बताया कि संडे बहुत ही बोरिंग गुजरता है, कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, कहीं कहीं जाना नहीं होता, कोई फन नहीं होता. सो वैसा ही मेरा गुजर रहा है. प्लान नहीं है, कहीं जाना नहीं है बाहर. एक घंटे से कॉल आ रहा है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, घर पे हूँ. क्या, कब, कौन कौन है, जाना? हाँ हाँ, भरोसा रख, जानी मैं आ जाऊँगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. सो अभी मैंने कहा कि कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं. और अभी मेरी दोस्त की कॉल आ गई उज़ैर की. वो कह रहा है कि यार ज़ैन है, सबकत वगैरह है और कहीं घूमने का प्लान हो रहा है. बताया नहीं है कहाँ जाए. अब चलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं. तो और हाँ, मुझे बताना ये था कि मैंने ये एक व्लॉगिंग किट तैयार करी है. और ये मैंने व्लॉगिंग किट इसलिए ली क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार तुम्हारा साउंड सही नहीं आ रहा है. मैंने एक इसमें माइक अटैच कर लिया है बोया का, और साथ में एक ट्राईपॉड ले लिया ताकि मेरी हैंडलिंग और बेहतर हो सके. इंशाल्लाह आपको रिजल्ट थोड़े से बेहतर फील होंगे. जरा मेरे फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बना है, हम उसी के लिए निकल रहे हैं. अब उनको मैं पिक करने जा रहा हूँ. सारी एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो मैंने कहा मैं उनको पिक कर लेता हूँ. अब फिर देन उसके बाद हम निकलते हैं कि हमें कहाँ जाना है. डिसाइड भी नहीं करा है हमने. दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है कि आप सारे मिलते हो, देन डिसाइड करते हो, और आधा रास्ता तो यहीं काट देते हो कि जाना कहाँ है. जानी तो जानी हम रास्ते में डिसाइड करते हैं और फिर आपको रास्ते में बताते हैं कि हम जा कर रहे हैं. ओके, सो बस अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है ना. मम्मा जा रहा हूँ मैं. जानी टाइम पे निकलेंगे. भाई किंग मैं बोल रहा था तुम्हें ये उज़ैर कभी लेट कराएंगे, लेकिन नहीं, तुमने बोला नहीं. तुम अजीब ही जाहिल किस्म के आदमी हो. आधे घंटे से खड़ा हुआ था मैं इसके बाद जो तुम्हें कॉल ही कर रहा था ना. तुम कहाँ से आ गए? किंग भाई, किंग बोला ना, किंग किंग बोल दिया ना. बस तुमने बोला था आना स्पेशल गेस्ट आ गया. आपने क्या बोला था? व्लॉग चीफ गेस्ट. इसी तो इसका यार, व्लॉग चीफ गेस्ट. माचो बहुत हॉट है यार. माचो हमारा बहुत हॉट है. अस्सलाम वालेकुम. सो अभी हम आए हुए हैं हमारी लोकेशन पे, जो हमने डिसाइड करा था रास्ते में, जो कि है डॉल्मन मॉल लिफ्टन. और यहाँ पर मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, ये रहे मेरे सारे दोस्त पीछे हैं और इनके साथ में आया हूँ. यो,
दोबारा पार्किंग में इसलिए आ गए हैं, हमें पता नहीं था कि आज, मतलब ये पता था कि आज संडे है, लेकिन संडे को बिना फैमिली के अलाउ नहीं होता है। तो हमारे दो बंदे किसी रैंडम फैमिली को लेकर तो अंदर जा चुके हैं, हम दोनों परेशान यहाँ पर फंसे हुए हैं कि किस तरीके से अंदर जाएं। प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ हम कुछ करके चले जाएं, लेकिन अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो भाई जैन, आपके लिहाज से अंदर जाने के लिए मैं तो ये बोलता हूँ पार्किंग से ट्राई करता है, पार्किंग से आ सकता है, वहाँ तो चेकिंग नहीं करते ना, उनको क्या पता कार में कौन कौन है। पार्किंग से ट्राई करते हैं, एक हमारा लास्ट ऑप्शन है, वरना फिर हमें डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है कि हमारे बाकी चारों जा चुके हैं अंदर, चारों बंदे चले गए हैं, कोई भी फैमिली ने पिक कर ली है और उनके साथ बोल के निकल गए और हम दोनों रह गए। A few moments later. Finally हम घुस गए। Finally हम घुस गए और बहुत खुशी हो रही है। Finally. लेकिन हम घुस गए मन और ये है मेरी मॉल में एंटर होने की खुशी। बहुत मुश्किल से इंटर हो चुके हैं और बहुत खुशी हो रही है। हम इंटर होकर आए हुए हैं डॉल्फिन मॉल के सिंबाद और यहाँ हमारा बोलिंग का सीन है बाकी में, और बोलिंग का हमने अभी रजिस्ट्रेशन करवाई भी है, 1.5 घंटे की वेटिंग है जब तक हम कुछ और इन्जॉय करते हैं। बाकी जानते हैं कि सिंबाद आज इंटर कैसे हुआ। आज बहुत मुश्किल हुई है इंटर होने में, बहुत मुश्किल हुई है। फैमिली बनाई है हमने अंदर, मजे तो इनके हैं भाई। कहाँ गए थे भाई? मैं वॉशरूम देखने गया था, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि डॉल्फिन मॉल का वॉशरूम जो है वो दो दरिया पर है। ओए ओए ओए, हम पहला गेम खेल रहे हैं जो कि ये पंचिंग है, तो हम पंच मारेंगे हमारा स्कोर आएगा जी। तो गाइज, मेरा नाम कशान आसिफ है, ऐसे आप मुझे जानते हैं। मैं एक बर्गर ब्लॉगर हूँ और ना साइन ऑफ और ना मैं जो हूँ यहाँ आया हूँ, देखिए मेरे दोस्तों के साथ। ये मेरा दोस्त है, ये एडी से वेकेशन पे आया है जी। कि मैं कैसे बनना चाहता हूँ बड़े होके, मिला इनसे, मिला इनका नाम है सिबगत टिपियाँ, इनका नाम है अजीन चिकियाँ, और ये है द ग्रेट माचो मान, और ये है नी और मैं कशान जो साइन ऑफ बर्गर आई। क्या कहना चाहेंगे बस, वन पंच मैन था मैं, लेकिन थोड़ा कम पड़ा। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का मारने का इसका रिकॉर्ड है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस पर, धांधली हुई करीब। बहुत बेहतरीन चल रहा है, तीन लोगों ने मार दिया, लेकिन टॉप स्कोरर वन पंच मैन साइडामा। अब जैन की बारी है, लास्ट बंदा जैन, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। अब चेक करते हैं, मेरा अगर 500 पे आ जाए तो कोई बुरा ना माने, मैं मारूं नहीं, मेरी तबीयत खराब। ये बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन मैंने किया नहीं है, वरना मैं ही आता बस। ये बीमार लोग हैं, बीमार। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं थर्ड आया हूँ चार लोगों में, लेकिन मैं हमेशा की तरह फर्स्ट। मैंने नहीं मारा क्योंकि ये भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे हम में, लेकिन वरना सबसे लास्ट, सबसे पहले मैं ही आता, पता है स्कूल में भी फर्स्ट मैं ही आता था। तो बस मैं ये बता रहा था, अभी हम पंच वाला गेम खेल कर आए और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, मतलब मैं अभी भी वन पंच मैन, मतलब साइडामा हूँ, अभी भी हाई स्कोर मेरा चल रहा है। हाई स्कोर बीट नहीं कर पाया, लेकिन वो कभी इंशाल्लाह बाद में कभी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पंच इन बिटवीन द फ्रेंड। भाई अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत लश
तो भाई लड़के अभी हम खेलने बैठे हुए हैं बॉलिंग, आपके लिहाज से हम सबसे विनर कौन होगा? क्या कह रहे हो लड़के? सही बोल रहा हूँ शहजादे। सही कह रहे, बिल्कुल शहजादे सही कह रहा है। तुम जीतोगे, तुम ही। एक साथ कॉम्पिटिशन है, देखते हैं कौन होगा विनर और कौन होगा लूजर। तो गेम अभी बिल्कुल अपने एंड पर पहुंचने वाला है, लेकिन मैं अभी टॉप स्कोरर नहीं हूं, लेकिन मैं थर्ड फोर्थ पर हूं। फर्स्ट पे उज़ैर चल रहा है, सेकंड पे ज़ैन है और सिबगत और अजीम भी है, और कबीर के सबसे लो स्कोर चल रही है। बोलिंग का गेम चल रहा है हमारा, आप देख सकते हैं पीछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे लोअर स्कोरर हमारा दोस्त है कबीर। उस कबीर के सबसे अभी लो स्कोर चल रहा है, लेकिन कबीर कम बैक कर सकता है। कबीर क्या सीन है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। विनर कौन होगा? आखिरी बारी में स्ट्राइक, आखिरी बारी में स्ट्राइक उज़ैर की, बहुत आला। ये आपको मिलवाते हैं जो फर्स्ट आया है। तो भाई अभी गेम खत्म नहीं हुआ, कैसा लग रहा है आपको? आई एम द विनर। ये भाई फर्स्ट है एज यूजुअल, मजे तो इनके हैं भाई। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टेक केयर। काशन आसिफ साइन ऑफ। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं।